धड़ा। राजस्थान के समृद्ध संस्कृति में विभिन्न प्रकार के देसी संगीत वाद्य यंत्र हैं। इनमें से एक है घड़ा। यह मिट्टी का बनता है और अक्सर घड़े के रूप में उपयोग किया जाता है। घड़ा जो हम पानी को ठंडा रखने के लिए घर में उपयोग करते हैं, उसी घड़े को एक वाद्य यंत्र के रूप में देखना यह सिद्ध करता है कि वास्तव में संगीत की कोई सीमा नहीं है। घड़े का जन्म यूं तो पंजाब में हुआ था, पर थार के रेगिस्तान के दिल में इसने अपनी जगह बना ली और लोक संगीत का एक अहम हिस्सा बन गया। घड़े को अक्सर थाली के साथ बजाया जाता है। राजस्थान में इसका उपयोग करते वक्त वेरिएशन लाने के लिए कलाकार घड़े पर हाथ से बजाने का स्थान बदलता रहता है। घड़े के ऊपर अलग अलग जगह पर बजाने से अलग किस्म की आवाजें निकलती हैं। इससे गाने में विविधता पैदा होती है। घड़े से और भी बेहतर आवाज निकालने के लिए कलाकार उस पर बंधे कपड़े पर राख और पानी का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से घड़े के कपड़े पर एक सख्त जगह बन जाती है, जिससे आवाज और बेहतर हो जाती है। सही तरीके से तैयार घड़ों को अलग अलग स्वरों पर सुना जा सकता है। अपने स्वर के अनुसार कलाकार सही घड़े का उपयोग करते हैं। यह यंत्र हर तरह से मौलिक है। और शायद यही कारण है कि राजस्थान के लगभग सभी समुदाय इसे अपने लोक संगीत में इस्तेमाल करते हैं।